ओके गाइस, सो वर्कआउट हमारा हो गया। बॉडी की कंडीशन देखेंगे क्या रिजल्ट आया है। लास्ट टाइम जो वीडियो थी वो 5 दिन पहले बनी थी, इस बार हम 5 दिन बाद वीडियो बना रहे हैं और बॉडी में रिजल्ट देखेंगे। एज यू कैन सी, मेरे को मैं थोड़ा सा हल्का सा उस शेड लग रहा हूँ क्योंकि फिलहाल अभी तो सिर्फ 5 ही दिन हुए हैं। हमने जो दूसरी वीडियो बनाई थी वो 5 दिन पहले बनाई थी, तो उसके हिसाब से मैं हल्का सा आप लोगों को खुद दिख जाएगा। मैं पॉज करता हूँ। तो ये साइड ट्राइसेप एंड ये बैक आप देख सकते हो, ये बाइसेप और ये एब्स और चेस्ट देखो कितना। और एब्स की कंडीशन भी आप लोग देख लो। और जब हमने जब वर्कआउट सिर्फ स्टार्ट करा था उस टाइम एब्स आप लोगों ने देखे थे, उस टाइम तो इतने विजिबल भी नहीं थे जितने अभी विजिबल हो रहे हैं। आई लव यू सो मच गाइस। एक लास्ट बैक पोज और रह गया ना भाई, बैक पोज तो दिखाना भूल ही गया मैं, रुको। वर्कआउट कंप्लीट हो गया। अब मैं पोस्ट वर्कआउट में मेरा 2 स्कूप प्रोटीन का, इसके अंदर प्रोटीन है तो मेरे 2 स्कूप होते हैं, 2 स्कूप प्रोटीन के। उसके अलावा ये ग्लूटामाइन, इसके मैं 2 टैबलेट लेता हूँ सबसे पहले पोस्ट वर्कआउट के बाद। और ये प्रोटीन का सिंथेसिस जो होता है हमारी बॉडी के अंदर उसको फास्ट करता है एंड अच्छा हेल्पफुल होता है हमारी बॉडी में मसल बिल्डिंग के लिए। ओके, इसके अंदर असल में एसिटिस का क्रिएटिन है, बट एसिटिस वाले डब्बा नहीं देते, पाउच देते हैं, तो मैंने इसके अंदर अपना क्रिएटिन डाल रखा है। वैसे तो 5 ग्राम रिकमेंडेशन होती है पर मैं 3 ग्राम ही लेता हूँ, तो ये मेरा 3 ग्राम का स्कूप है। और ये 3 ग्राम मैं क्रिएटिन वर्कआउट के बाद ले रहा हूँ आजकल। ओके, प्रोटीन पी लिया मैंने, ग्लूटामाइन खा लिया, क्रिएटिन हो गया मेरा। उसके बाद ये सामान तो मैं अपने गाड़ी में रखता हूँ। अब जाऊँगा, अभी अंडे खाऊंगा, फिश खाऊंगा घर पे। तुम लोगों को फिश बनाने भी सिखाता हूँ और अंडे छोड़ना नहीं। मैं अपना बॉइल करूँगा एग, वैसे तो मैं स्टार्टिंग में बॉईल करके रख लेता हूँ बट आप लोगों को दिखाने के लिए मैं पहले बॉईल करूँगा। 8 अंडे उबालने के लिए रखता हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा पानी है एंड नमक है। दूसरी चीज़ मैं जो भी बनाऊँगा, क्योंकि अंडे तो अभी 50 मिनट में हो जाएंगे रेडी और मैं इन्हें ख़त्म भी कर दूँगा 2 मिनट के अंदर। तो ये क्या है कि ये 100 ग्राम फिश है, मैं 300 ग्राम 400 ग्राम फिश एक बारी में मैरिनेट करके रख देता हूँ। फिश को मैंने ऐसे मैरिनेट कर दिया था। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोगों को जानना हो मैं कैसे मैरिनेट करता हूँ मैं सिखा दूंगा, बाकी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज मिलेगी आपको। कर दिया था, अब इसको कुछ नहीं करना, फ्राई पैन पे मैं इसको फ्राई करूंगा, उसके बाद मैं इसको फिर बाद में खा लूंगा। आप लोगों को मैं फिश का भी दिखा दूंगा मैं किस तरह फ्राई करता हूँ। मैं सिर्फ 5 मिनट फ्राई कर लेता हूँ, ज़्यादा देर में उसको नहीं रखता। पैन हो गया गर्म, इसमें मैं देखना कितना कम ऑयल डालूंगा इसके अंदर, ये बस एंड दिस इज़ टू मच। ये देख लो आप, मैंने इसके अंदर सिर्फ इतना सा ऑयल डाला है एंड इसको मैं अभी फैला दूंगा, इसको यूँ फैला दूंगा। अपना एक ये फिश डालूँ, गैस 0 एंड मैंने इसको रख दिया। उसके बाद कुछ नहीं, एक प्लेट लेके आप इसको ऐसे ढक दो, उसके बाद 5 मिनट बाद इसको आप पलट देना फिश को, उसके बाद फिर 5 मिनट के लिए इसको ढक देना एंड उसके बाद आपकी फिश एकदम टकाटक रेडी। आई होप आपको मेरी डाइट के बारे में पता लगा हो। तो हमारी फिश बन गई है और मैं अपना फिश खाता हूँ एंड थैंक यू सो मच गाइस।